अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम सैमसंग का 7 सीरीज़ अल्ट्रा एचडी टीवी जिसका मॉडल नंबर RU7400 है उसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। ये 55 इंच का टीवी है जो कि 138 सेंटीमीटर बनता है। ये आपको इसके बॉक्स में शो हो रहा है सब कुछ। इसके प्राइस के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसकी प्राइस तकरीबन 1,40,000 के राउंड अबाउट है। एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता, मैं स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा। अब इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लें तो इसमें डायनामिक क्रिस्टल कलर हैं, यानी कि इसमें आपको 1 बिलियन कलर्स मिल जाएंगे, कलर शेड्स मिल जाएंगी। उसके अलावा इसमें अल्ट्रा एचडी प्रोसेसर है, एचडीआर है और स्मार्ट थिंग्स है, यानी कि आप मुख्तलिफ डिवाइसेस को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 4K रेजोल्यूशन है और एप्पल एयरप्ले, जिसका मतलब है कि आप अपने एप्पल के मोबाइल को इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, आपको किसी मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, या एप्पल की स्क्रीन इसके ऊपर आ जाएगी। उसके अलावा HDMI है और ये इसका फ्रंट है, टीवी की जो फ्रंट स्क्रीन है वो इस तरफ है। उसके अलावा ऊपर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि किस तरह आपने अपने टीवी को अनबॉक्स करना है, क्योंकि ये काफ़ी फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट है। आपने पहले नंबर पे इसकी बैक को टियर करना है। बैक में मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पे बनी हुई है जगह। ये फ्रंट व्यू है, लिखा हुआ है, यहाँ से आपने अपने बैग को कैंची से फाड़ना है। उसके अलावा इसी तरह यहाँ पर भी है और फिर आपने टीवी को, ये तो इंस्ट्रक्शंस हो गए कुछ। उसके अलावा ये अल्ट्रा एचडी सर्टिफाइड है, आपको हर टीवी सर्टिफाइड नहीं मिलेगा, कुछ ही टीवी सर्टिफाइड होते हैं और उसमें से ये भी है। तो अब हम इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं। अच्छा जी, अब इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। बहुत बड़ा है तो इसलिए दो बंदों की ज़रूरत होगी। तो अब सबसे पहले तो हाँ, सबसे पहले इसके ऊपर मैंने आपको बताया जिस तरह फ्रंट साइड शो हुई है, तो हमने बैक से इसको काटना है। तो सबसे पहले मैं बैक को सामने कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बुकलेट मिल रही है। उसके अलावा ये निकाल के दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर कुछ हमें पावर केबल्स और सेल्स वगैरह मिल रहे हैं। ये शायद ये इसकी शायद पावर केबल है और ये इसके जो हम केबल लगाते हैं अपनी वो है। इसके अलावा ये कुछ क्लिप्स वगैरह हैं और दो सेल हैं। तो ये आपको क्यूट सा एक छोटा सा रिमोट मिल रहा है देखने को। अब ये मुझे नहीं पता कि इसका टीवी का रिमोट है इतना छोटा हैंडी। अभी हम अनबॉक्स करके देख लेते हैं, फिर ही पता चलेगा। उसके अलावा ये बुकलेट है, इसको भी साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमें शायद इसका स्टैंड है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको स्टैंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास टीवी है। इसको निकालने से पहले इसे यहाँ पर कैंची से काटना होगा। अब हम अपना टीवी निकाल लेते हैं। टीवी निकालने से पहले ये कोई चीज़ है, ये टीवी की शायद बाहर ही निकलेगी। अच्छा, यहाँ पर आपको बॉक्स में मेंशन हुआ हुआ है कि आपने किसी टेबल के ऊपर नहीं रखना जो कि इस टीवी की स्क्रीन से छोटा हो, स्क्रीन के बल उससे स्क्रीन ज़ाहिर सी बात है डैमेज होगी। तो टीवी को दिखाने से पहले हम, ये इसका स्टैंड है, स्टैंड से भी खोल के दिखा देता हूँ। और यहाँ पर ये शायद
तो ये हमारे पास इसकी कीलें हैं, इसे मैं यहाँ रख दूँ। जी टीवी दिखाने से पहले ये जो इसकी आखिरी चीज़ रह गई थी ये दिखा दूँ, तो ये इसका वॉल माउंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाज्मा टीवी वॉल माउंट ब्रैकेट। और अब मैं इसे आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपल वो चीज़ें मिल रही हैं जो कि आपको हर टीवी के साथ मिल जाती हैं, ये कुछ कीलें वगैरह हैं। तो ये तो हो गई सारी चीज़ें, ये इसका क्यूट रिमोट, ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा है। उसके अलावा बाकी वो केबल्स वगैरह। तो अब हम अपने मेन चीज़ की तरफ आते हैं, टीवी की तरफ। है तो ये आपके सामने एलिगेंट आपका अल्ट्रा एचडी टीवी सैमसंग का, यहाँ पर नीचे छोटा सा सैमसंग लिखा हुआ है, अभी यहाँ पर तो नहीं नज़र आएगा। अब इसकी मैं आपको बैक साइड भी दिखा देता हूँ ज़रा। बैक साइड आपको बड़े एहतियात से इसको पकड़ना है, क्योंकि एक तो भारी भी बहुत है। ये मैं उल्टा करके दिखा रहा हूँ, नीचे इसके स्पीकर्स हैं, और यहाँ पर आपको कुछ ऑडियो और वीडियो पोर्ट्स मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर HDMI केबल हैं, उसके बाद उसके अलावा USB केबल भी हैं। यहाँ पर मॉडल नंबर इसका लिखा हुआ है। यहाँ पर केबल की जो हम वायर लगाते हैं वो मैंने आपको दिखाई भी थी, प्लग्स वो लगेगा यहाँ पर। उसके अलावा वहाँ पर पावर सोर्स है इस तरफ, और ये इंटरनेट केबल है। तो अब इसे वापस हम फ्रंट व्यू पे ले आते हैं, और मैं आपको इसे ऑन करके दिखा देता हूँ। अच्छा, अब टीवी को मैं जल्दी से आपको सिर्फ ऑन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे DSLR की बैटरी बहुत लो है। इसमें आपको सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी वो इसकी पावर केबल है, जो कि वहाँ पे लगेगी। उसके अलावा ये क्यूट सा रिमोट, और दो सेल इसके अंदर लगेंगे। ये तो नहीं, इसके अंदर ये शायद पूरा ही खुलेगा। अच्छा, यहाँ पर ये मेंशन हुआ हुआ है कि ये एरो बना हुआ है, इसको नीचे करने से खुलेगा ये। इसमें यहाँ पे वो कुछ छोटा सा जगह नहीं है सेल डालने के लिए, ये पूरा रिमोट ही इतना छोटा है कि ये इसको नीचे करने से, और ये रिमोट के अंदर सेल डालने हैं। जल्दी से सेल डाल लेते हैं। ओह, उसके अलावा ये पावर केबल मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। पावर केबल लगा दी है, और अब इसे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हम ऑन कर लेते हैं इसे, और भी पता नहीं सही कनेक्ट हुआ है कि नहीं। रिमोट में इंडिकेशन आ रही है कुछ रेड, और ब्लिंक कर रही है कि शायद ऑन हो चुका है HDMI 3। अच्छा, रिमोट के भी मैं आपको कुछ बटन्स के बारे में बता दूं, तो रिमोट में बहुत ही लिमिटेड बटन्स हैं, और चैनल के तो है ही नहीं 1 2 3 वो जो लिखे होते हैं। यहाँ पर कुछ गूगल सर्च है, और ये पावर बटन है। उसके अलावा एक मिनट, ये वर्ल्ड वाइड वेब का बटन है, नेटफ्लिक्स का है, और ये वॉल्यूम है और चैनल है, बस इसी तरह आपने चेंज करना है। ये होम है शायद। और तो आप देख सकते हैं हमारा टीवी ऑन हो चुका है, HDMI 3, नो सिग्नल, चेक द केबल कनेक्शन। अच्छा, इसके साथ में कोई केबल ही नहीं कनेक्ट हुई, तो आपने तो बस इसके पिक्सल्स देखने हैं, इसके रेजोल्यूशन देखनी है इसके। बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मैं चेंज कर लूँ। अभी पता नहीं मैंने कौन सा बटन दबाया, तो कनेक्ट टू सैमसंग स्मार्ट रिमोट। अच्छा, मैंने बटन दबाया है कोई, और ये ऑटोमेटिकली अब कनेक्ट हो गया है। तो अब आगे हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो हो सकता है इससे आगे मैं इसके बारे में कोई वीडियो अपलोड करूँ, कोई भी अगर मुझे नई चीज़ मिले। उसके अलावा उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी इसकी अनबॉक्सिंग की। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।